Hello dear students, today I will tell you about kinds of sentences. There are four main types of sentences. First is assertive or declarative sentence, जिसमें आपको सिर्फ एक statement देनी होती है. Assertive sentence के two parts होते हैं. First is affirmative and second is negative. Affirmative मतलब positive sense वाला sentence और negative मतलब जो नकारात्मक वाक्य होते हैं जिनमें no, नेवर, नॉट का यूज़ होता है. इन दोनों को कंबाइंड करके एक सेंटेंस का काइंड बनाया गया जिसे हम कहते हैं एजर्टिव सेंटेंसेस. अगर हम किसी को कहें देर आर फाइव मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो वो भी ठीक है, लेकिन फिर हम एजर्टिव नहीं बोल सकते. फिर हमें लिखना होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. But if we are saying that there are only four types of sentences, then we can say first is assertive sentence, second is imperative sentence, जिनमें हम आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं. Third is question और interrogative sentence, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं. जब किसी से question पूछा जाता है तब हम interrogative sentence का use करते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सडन फीलिंग को व्यक्त करने वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उन्हें बोलते हैं. सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट डीपली ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टर्न टू टेल एजर्टिव सेंटेंस डेफिनेशन. A sentence that states or declares something is called assertive sentence. एक ऐसा सेंटेंस जो डिक्लेयर करता है कुछ भी वो assertive सेंटेंस होता है, चाहे वो नेगेटिव स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर रहा हो या वो पॉजिटिव स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर रहा हो. ओके, जैसे लिखा हुआ है द बॉयज मेड अ नॉइज, बॉयज ने शोर मचाया, पॉजिटिव सेंस वाला है. नेगेटिव, द चाइल्ड इज नॉट क्राइंग, बच्चा नहीं रो रहा है, तो ये नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस हो गया. ये दोनों टाइप के जो सेंटेंस हैं ये हो गए एजर्टिव सेंटेंस के अंदर. ओके, सेकेंड इज इम्परेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसिज अ कमांड, रिक्वेस्ट और अ डिज़ायर इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस. जिसमें कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, डिज़ायर हो, वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं. जैसे प्लीज लेट मी वर्क, कृपया मुझे काम करने दो, इट्स अ रिक्वेस्ट, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है. अगर मैं आपको कमांड दूँ ओपन द डोर, या मैं कहूँ आपसे सिट डाउन, स्विच ऑन द फैन, तो ये हो गए इम्परेटिव सेंटेंसेज, जिसमें आज्ञा दी जाती है, निर्देश दिया जाता है. इस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंसेज में आते हैं. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द थर्ड काइंड एंड फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस. ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. It's time to read about the interrogative sentences. So let's start. Interrogative sentences. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence or a question. जिसमें question पूछा जाता है वो interrogative sentences होते हैं, चाहे वो question WH word से पूछा जा रहा हो. Everybody knows about WH word, जैसे what, where, who, whom, which, ये सब WH word होते हैं. बट जरूरी नहीं है कि जब इन वर्ड से शुरू हो क्वेश्चन तभी बनता है. क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में है तब भी क्वेश्चन बन सकता है. वर्ब के बारे में वैसे मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगी वर्ब के बारे में, बट अभी हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की. अगर मैंने कहा हैव यू कम्प्लीटेड योर वर्क, क्या आपने अपना वर्क कम्प्लीट कर लिया है, इट्स अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, तो ये भी इंटरोगेटिव में आता है. अगर मैंने कहा व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं. नंबर फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रांग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जिसमें सडन फीलिंग हम व्यक्त करते हैं, अचानक से हमारे मन में जो भाव आते हैं हम उन्हें व्यक्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है. हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज, कितना प्यारा रोज है. व्हाट सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना प्यारा दृश्य है. जिसमें हमारे मन से अचानक से फीलिंग निकलती है उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंक्लूड करते हैं.
ओके थैंक यू स्टूडेंट्स.